हेलो स्टूडेंट, डीएनजी एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग जो एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे, ठीक है। तो देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। क्या देखना है हमको इसमें, फिल इन द ब्लैंक्स देखना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ए आता है हमारे पास में 1 लेख इक्वल टू 10,000, कि आप लोगों को बताना है कि 1 लेख में कितने 10,000 आएंगे। क्या बताना है आप लोगों को कि 1 लेख में कितने 10,000 आएंगे, ये आप लोगों को बताना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, लिखते हैं 1 लेख, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास में 1s, 10s, 100s, 1000, 10,000 लेख, ठीक। इसको हम लोग वैसे काउंटिंग जो होती है बैक साइड से करते हैं, पर हमको लिखने के लिए क्या होता है कि इजी होता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे 1 लिखा था तो हमने यहाँ पे 1 लिख दिया। अब आपको कहाँ तक काउंटिंग करना है, लेख तक जाना है, ठीक है। जैसे ये हो गया हमारा 1s, 10s, 100s, 1000, 10,000 लेख, ये क्या हो गया हमारे पास में 1 लेख हो गया। अब इधर साइड क्या दिया आप लोगों को, 10,000 दिया है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 10,000 लिख देंगे। अब 10,000 लिखने के लिए सबसे पहले क्या लिखना रहेगा हम लोगों को, 10 हो गया 10, तो इसको भी काउंटिंग करते हैं 1s, 10s, 100s, 1000, 10,000, ये भी हो गया हमारे पास में। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, 1 लेख लिख लिया और यहाँ पे क्या लिख दिया, 10,000 लिख दिया, ठीक। तो क्वेश्चन क्या था हमारा कि 1 लेख बनाने के लिए हमको कितने 10,000 चाहिए रहेंगे। ये हमारा क्या था क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन फर्स्ट में ए वाला था हमारे पास में, ठीक, कि 1 लेख बनाने के लिए हमको कितने 10,000 चाहिए रहेंगे, ठीक। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास में, जीरो काउंट कर लेते हैं। यहाँ पे कितने जीरो है, 1, 2, 3, 4, 5 जीरो यहाँ पे दिए। यहाँ पे कितने जीरो है हमारे पास में, 1, 2, 3, 4 जीरो दिए हमारे पास। मतलब कि हमको एक जीरो चाहिए यहाँ पे। यदि हमको एक जीरो मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 लेख बन जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, जीरो का इंटू करेंगे। यदि हम जीरो का इंटू करते हैं तो ये तो सारा जीरो हो जाएगा, है ना। तो हम इंटू काय का करेंगे इसमें, 10 का इंटू करेंगे। यदि हम 10 का इंटू करते हैं तो हमारे पास में क्या बन जाएगा, 1 लेख बन जाएगा, ठीक। मतलब हमारा यहाँ पे क्या आएगा, 10 आ जाएगा। क्या आएगा हमारा यहाँ पे, 10 आ जाएगा, कि हमको 1 लेख बनाने के लिए 10,000 चाहिए रहेंगे। कितने था मतलब, 10 मतलब कितने 10,000 चाहिए रहेंगे, 10 कितना बनाने के लिए, 1 लेख बनाने के लिए, ठीक। अब इसे में हमारे पास में आता है सेकेंड बी नंबर का क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या दिया है, 1 मिलियन दिया है। कितना दिया है यहाँ पे हमारे पास में, 1 मिलियन दे के रखा है। हमको इसमें क्या करना है, 100,000 बना के बताना है कि 1 मिलियन में कितने 100,000 बन जाएंगे, ये आप लोगों को बताना है। तो हमको सबसे पहले क्या होना चाहिए, 1 मिलियन लिखते आना चाहिए। अब यहाँ अभी क्या हो रहा था हमारे पास में, हमने लेख पढ़ा है, करोड़ पढ़ा है, मतलब करोड़ पढ़ा है, 1000 पढ़ा है, ठीक। अभी मिलियन कहाँ से आया, तो काउंटिंग सिस्टम जो होती है ना, इंटरनेशनल काउंटिंग सिस्टम में क्या होता है, मिलियन आता है, बिलियन आता है, ठीक है। जो हम लोग जो डॉलर का जो यूज करते हैं ना, वहां पे क्या होता है, इंटरनेशनल काउंटिंग सिस्टम चलती। तो हमको ये भी पता होना चाहिए यहाँ पे कि 1 मिलियन में कितने, मतलब क्या हो, मतलब 1 मिलियन में कितने हमारे रुपीज होते हैं इंडियन काउंटिंग सिस्टम में। तो 1 मिलियन में क्या होता है, मतलब 1 मिलियन में 10 लेख होते हैं, ठीक। तो अब यहाँ क्या कर लेते हैं हम लोग, सबसे पहले 10 लेख लिख देते। तो ये हो गया 10, 1s, 10s, 100s, 10,000 लेख, 10 लेख, ठीक। काउंटिंग हम पीछे से करते हैं, पर जब लिखते हैं तो हमको इजी पड़ता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं उसको सामने से पढ़ लेते हैं। वैसे हम लोग क्या करते हैं, इधर से पढ़ना रहता है, 1s, 10s, 100s, 1000, 10,000 लेख, 10 लेख, हो गया हमारे पास में 10 लेख। अब क्या है यहाँ पे, हमको 100,000 लिखना है। क्या लिखना है, 100,000 लिखना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे क्या दिया हमारे पास में, 100, तो हम यहाँ क्या कर देते हैं, 100 लिख देते हैं सबसे पहले। ये हो गया हमारा 100। इसके बाद में क्या करना, 1000। अब 1000 में जीरो कितने होते हैं हमारे पास में, 3 जीरो होते हैं। तो क्या कर देंगे, हम यहाँ पे 3 जीरो लगा देंगे। ये क्या हो गया हमारे पास में, 100,000 आ गया हमारे पास में 100,000, ठीक। अब क्या करना है हमको कि जो 10 लेख, मतलब जो 10 लेख दिया है यहाँ पे हमारे पास में, यहाँ कितना है, 10 लेख। तो कितने 100,000 चाहिए रहेंगे हमको 10 लेख बनाने के लिए, ठीक। तो यहाँ पे भी जीरो काउंट कर लेते हम लोग, 1, 2, 3, 4, 5, 6। यहाँ कितने जीरो है, 1, 2, 3, 4, 5। मतलब कि हमको कितने जीरो चाहिए, और 1 जीरो चाहिए। तो जीरो का तो इंटू हम कर नहीं सकते, क्यों, क्योंकि यदि हम जीरो का इंटू करते तो क्या हो जाएगा, ये सारा जो नंबर है हमारा जीरो हो जाएगा। क्योंकि किसी भी नंबर में हम जीरो का इंटू करते तो क्या होता है, सभी जीरो हो जाता है। तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे भी 10 का इंटू कर देंगे, मतलब हमारा यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या आ गया, बी में 1 मिलियन इक्वल टू 10, 100,000 चाहिए रहेंगे 1 मिलियन बनाने के लिए, ठीक। इसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारे पास में 1 करोड़। कितना आ जाता है, 1 करोड़। तो सबसे पहले हमको 1 करोड़ लिखते आना चाहिए, ये लिख दिया हमने यहाँ पे 1, ठीक। अब काउंटिंग करते हैं हम कहाँ तक, करोड़ तक, ठीक। ये हो गया 1s, 10s, 100s, 1000, 10,000 लेख, 10 लेख,
करोड़, ये हो गया करोड़ हमारा, वन करोड़ हो गया। अब यहां क्या लिखना है हमको, टेन लेख लिखना। तो टेन लेख लिखने के लिए सबसे पहले क्या करना रहेगा हमको, टेन लिखना रहेगा। ठीक, काउंटिंग करें हम कहां तक करेंगे, टेन लेख तक काउंटिंग करेंगे। वंस टेन्स हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड लेख टेन लेख हो गया हमारे पास में। अब क्या करना है, यहां पे भी नंबर हमको जीरो काउंट करना है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, यहाँ पे सेवन जीरो थे, यहाँ कितने जीरो, सिक्स। तो यहाँ पे भी काय का हमको कितने जीरो चाहिए, यहाँ पे भी वन जीरो चाहिए, तो हम काय का इंटू कर देंगे, यहाँ पे भी टेन का इंटू कर देंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास में टेन। ठीक, ये हो गया हमारा सी नंबर का। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास में डी नंबर का आता है, तो डी में देखते हैं कि डी में क्या होता है। ठीक, तो डी में क्या दिया है, यहाँ पे भी हमको वन करोड़ दिया है, यहाँ पे भी दिया, तो ये हो गया वन, काउंटिंग करते करोड़ तक, वन टेन्स हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड लेख टेन लेख करोड़। यहां क्या बोला है, मिलियन, मिलियन मतलब क्या होता है, सिर्फ मिलियन दिया है, तो मिलियन दिया तो क्या बोला है वहां पे, वन मिलियन। तो क्या करना है, वन मिलियन में कितने, मतलब कितने लेग होते, टेन लेग होते, तो यहां पे हो गया ये टेन हो गया, वन टेन्स हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड लेग टेन लेग। जीरो काउंट कर लेते हम लोग सबसे पहले, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, यहां पे सेवन जीरो थे, यहां कितने जीरो है हमारे पास में, यहाँ पे कितने जीरो, सिक्स। तो यहाँ पे भी हमको वन जीरो चाहिए, मतलब हमको काय का इंटू करना है, यहाँ पे भी टेन का इंटू करना है, तो यहाँ पे भी आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास में, टेन आ गया यहाँ पे भी टेन। अब लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास में ई, वन मिलियन इक्वल टू लेग। ठीक, तो सबसे पहले हम वन मिलियन लिखते हैं, तो वन मिलियन मतलब क्या होता है, टेन लेग, ये हो गया टेन, वन टेन्स हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड, ये हो गया वन टेन्स हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड लेग टेन लेग, हो गया हमारे पास में टेन लेग यहाँ पे भी। अब यहाँ पे क्या लेग बोला, मतलब कितना चाहिए हमको, यहाँ पे वन लेग, तो ये हो गया वंस टेन्स हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड लेग। ठीक, ये हो गया। अब हमको यहाँ पे भी जीरो काउंट करना है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, वन टू थ्री फोर फाइव, मतलब कितने जीरो चाहिए हमको यहाँ पे, और ए वन जीरो चाहिए, तो क्या कर देंगे, यहाँ पे भी हम टेन का इंटू कर देंगे। ठीक, तो यहाँ पे भी आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास में, टेन, मतलब कि हमको वन मिलियन बनाने के लिए कितने टेन, मतलब कितने लेग चाहिए रहेंगे, टेन लेग चाहिए रहेंगे, तब हमारे पास में बन जाएगा कितना, वन मिलियन बन जाएगा हमारे पास में। तो ये था हमारा क्वेश्चन, मतलब लास्ट वाला ये था हमारे पास में। तो हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखा, तो ए का आंसर भी हमारे पास में टेन आया, और बी का आंसर भी कितना आया हमारे पास में, टेन आया, और सी का आंसर भी कितना आया हमारे पास में, टेन आया, और डी का आंसर भी कितना आया हमारे पास में, टेन आया, और ई का आंसर भी कितना आया हमारे पास में, टेन आया। ठीक है।